अलीगढ़ थाना क्वारसी क्षेत्र में लुटेरी दुल्हन का कारनामा। शादी के दूसरे दिन ही घर से लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण लेकर फरार। तीन दिन पहले मंदिर में बिचौलिए ने कराई थी शादी। पीड़ित फरियादी लेकर पहुंचा था थाने क्वारसी। तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की भी मांग की। सुरेंद्र नगर इलाके में शादी के बाद दुल्हन जेवरात लेकर फरार हो गई। शादी बिचौलिए के माध्यम से आनन फानन में कराई गई थी। पीड़ित ने बताया 14 मई को नेहा से शादी होने के बाद दुल्हन घर आई। 2 दिन रहने के बाद नेहा ने बोला कि हमारे यहाँ रिवाज है कि 2 दिन रहने के बाद 1 दिन मायके जाना है। पति और सास ससुर ने मना करने पर दुल्हन जिद करने लगी। दुल्हन के भैया भाभी दुल्हन को अपने साथ ले गए। जब नेहा को ससुराल आने के लिए मोबाइल पर बात की तो ना तो नेहा ने मोबाइल उठाया। पीड़ित दूल्हे का कहना है कि कई लोगों का गिरोह है। थाना क्वारसी में मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं दूसरा मामला थाना क्वारसी के ही सुरेंद्र नगर का है। शादी बिचौलिया के माध्यम से 16 तारीख को पूजा के साथ मंदिर में ही शादी हुई। शादी की वीडियो भी बनी। अगले दिन बाजार जाने के लिए कहने लगी। जब अचलताल बाजार ले गए तो रास्ते से ही भाग गई। पूजा ने करीब 4 लाख के जेवर पहने रखे थे। पूजा का मोबाइल बंद है। वहीं पीड़ित पक्ष थाने में शिकायत दर्ज कराई है। वहीं पीड़ित पक्ष ने कहा है कि शादी के नाम पर गिरोह ठगी करता है। पीड़ित पक्ष ने पुलिस से कानूनी कार्रवाई की मांग की है। कमलेश और आपकी एक पुष्पा एक बबलू, ये तीनों वो थे क्या कहते हैं बिचौलिया। इन्होंने लड़की दिखवाई। लड़की दिखवाने के लिए हमें ले गए खुर्जा के पास, वो है चामुंडी मंदिर। वहाँ पर लड़की दिखाई, फिर हैंड टू उन्होंने कहा कि यहाँ शादी कर लीजिए। शादी करवा दी। 2 दिन लड़की घर, हाँ हैंड टू हैंड तुरंत, मुश्किल से 1.5 घंटा लगा, हो गया सब काम। लड़की घर आ गई 8:30 बजे रात को, हम घर आए। उसके बाद क्या कहते हैं दो दिन रही लड़की। 2 दिन बाद फिर 30 दिन वो जिद करने लगी कि मुझे अपने एक हमारे यहाँ रिवाज है 1 दिन के घर जाना है। और मैंने मना किया और मेरे पिताजी ने मना किया, पापा ने, दोनों ने मना करे, नहीं मानी। उसके भैया भाभी का फ़ोन आया, जो हमें भैया भाभी बताई गई थे, तो उन्होंने भी ये कही कि भाई हमारे रिवाज है। तो हमारे पापा ने कही कि भाई हमारे यहाँ 1.5 महीने से नहीं भेजते, नहीं माने वो। रात को आए, दिन का प्रोग्राम था, रात को आए करीब 10:30 बजे घर पे बुलाने, और 1 घंटा नाश्ता वास्ता करके लड़की को ले गए। फिर अगले दिन वो पहले तो मुझे कह रहे थे कि आप चलो संग, पापा ने मना कर दी कि भाई हम लड़के को रात में नहीं भेजेंगे। फिर सुबह मैं 8 बजे नहा धो के तैयार हुआ उसको बुलाने के लिए, मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने लड़की थी नेहा नाम है उसका, उसने मुझसे कही कि भैया हमारे जो भैया हैं वो अलीगढ़ आ रहे हैं किसी काम से, आप एक काम करना उनके संग बैठ के हमारे संग आ जाओ, उनके संग आ जाना और मेरे को बुला के ले आना प्रोग्राम से पहले। उससे अगले दिन लेडीज संगीत था, तो मैंने उनको फ़ोन किया, वो मुझसे बोलते हैं कि मैं अभी रास्ते में हूँ, मैं आ रहा हूँ। 1/2 घंटे बाद फिर फ़ोन किया, वो रे सारसोल जाम में फंसा पड़ा हूँ। फिर उसके बाद फिर फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन बंद हो गया उनका स्विच ऑफ। उसके बाद उन्होंने कभी उनका फ़ोन नहीं उठा। मैंने नेहा को फ़ोन किया, उनका मोबाइल बंद, सबके मोबाइल बंद आ गए। से ज्वेलरी थी काफ़ी, 4 चूड़ियाँ थी और चैन थी, मंगलसूत्र सोने का, बिछुआ तोड़िया और आपका क्या कहते हैं लौंग वगैरह ये था। हैं एक गली कमलेश और बबलू, ये तीनों ने मिलकर मेरी शादी कराई थी। और कहना है कि मेरे से शादी कराने के बाद 16 तारीख को मेरी शादी हुई है। और 16 तारीख को शादी होने के बाद शाम को आई है लड़की और कहना पर 7 को रही है। और सवेरे मेरे से बोली बाजार जाना, मैंने मना करा पर बहुत जिद अपनी करने के बाद नहीं मानी। फिर मुझे बाजार ले गई ऐसे कोई 10:30 बजे करीब, और रास्ते में से फिर भाग गई। साथ में रेलवे रोड गई, कहाँ गई? ये कहना अचलताल में। कुछ खरीदारी की या वहाँ से भाग गया? सामान तेल लेने गई थी, पैसे उसी पे थे, सामान तेलना का था। जेवर पहन रहे? हाँ। कितने का जेवर होगा? अब जब होगा 3-4 लाख रुपये में। कुछ पैसा कैश? हाँ कैश था, और मम्मी ने दिया उसको। 17 मई की रात को थाना क्वारसी के सुरेंद्र नगर इलाके में 2 नवविवाहित दुल्हनों द्वारा अपने ही घर से सामान चोरी कर भाग जाने की सूचना मिली। स्थानीय पुलिस ने तुरंत ही संज्ञान लेते हुए प्राप्त तहरीर अनुसार 18 तारीख को ही अभियोग पंजीकृत कर लिया। गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर दी गई। 2 अभियुक्तों को तुरंत ही स्थानीय पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दबिश जारी है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।